हेलो गाइस, कैसे हो? मच कॉन एक वीडियो लेके तो गाइस आज मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस कोड काफी दिन बाद। और यहाँ पे गाइस मैं कर रहा था लैंडिंग मिल्टा फैक्ट्री में, क्योंकि भाई प्लेन पाथ में यही जगह पड़ी थी एक हॉट ड्रॉप जो मेरे को लगी। लास्ट में जाकर भाई रोजोक वगैरह भी थे, मतलब बीसी में, तो वहां पे मैं नहीं गया। मुझे लगा भाई फैक्ट्री में मतलब बंदे आ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आता। लेकिन साइड में मिल्टा पावर भी है, तो शायद से वहां पे कोई गया हो। तो भाई जाएंगे वहां पे चेक करने, लेकिन पहले यहाँ पे लूट कर लेता हूँ मैं। मेरे को M4 मिल चुकी थी, तो यहाँ पे गाइस थोड़ी बहुत और लूट करते हैं भाई। वैश हेलमेट लेते, एक और गन लेते कोई बढ़िया से, और भाई निकलते फिर और सीधा चलेंगे भाई मिल्टा पावर। खैर वहां से फायरिंग की भी साउंड आने लगी थी हल्की हल्की सी, और यहाँ पे मेरे को बैरल भी मिल जाती है। तो फिर गाइस मैं बाइक उठाता हूँ, सड़क से आता हूँ सीधा मिल्टा पावर की तरफ, और यहाँ पे फायरिंग की साउंड आ रही थी, असली बंदूक की लग रही है भाई फायरिंग की साउंड। तो भाई घुस जाते हैं बिल्कुल धूम वाली एंट्री करके। और यहाँ पे गाइस एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं, जैसे कि भाई बिल्कुल ऊपर ही है, तो मैं चाहता हूँ। और बंदा पेटी की तरफ भाग के आ रहा था, या फिर पता नहीं यहाँ से बाहर भागना चाहता, बिल्कुल नहीं पता। फिर इसके फुटस्टेप्स आए थे, इसको भी यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं जल्दी से। लेकिन भाई ये दोनों बंदे डायरेक्ट नहीं जाते, इसका मतलब और भी बंदे हो सकते हैं। एक और के फुटस्टेप्स आए यहाँ से, अभी वाला बंदा डीपी का इंजन स्टार्ट कर ही चुका था लगभग, लेकिन मैं उससे पहले खत्म कर देता हूँ। गाइस एक और के फुटस्टेप्स आते हैं यहाँ पे, मुझे लगा लास्ट होगा, लेकिन वोट निकलता भाई ये तो। यहाँ पे गाइस मैं इसको भी खत्म करता हूँ, लेकिन वो जो तीन बंदे मैंने मारे हैं ना भाई, उनका लास्ट वाला टीममेट अभी नहीं मिला है मेरे को, तो भाई उसको भी ढूंढना पड़ेगा। सामने से कोई फायरिंग कर रहा है, लेकिन वो तो बोट सा लग रहा है मेरे को। और लास्ट वाले टीममेट के फुटस्टेप्स आ ही जाते हैं मेरे को यहाँ से, इसको खत्म करता हूँ मैं। सामने एक दो बोट थे, उन्हें निपटाता हूँ, थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, हेल्थ करता हूँ, और भाई निकलते हैं फिर यहाँ से। फिर गाइस मैं काफी देर भटकता हूँ भाई, अपार्टमेंट वगैरह गया था, रोजोक गया था, कोई नहीं मिलता। फिर गाइस मैं आता हूँ पोचिंग की तरफ, यहाँ पे गेट वेट खुले पड़े थे थोड़े से, तो यहाँ पे गाइस थोड़ा बहुत चेक कर रहा था मैं ऐसे ही। और भाई जैसे मैं गाड़ी घुमाता हूँ, पीछे से आती है फायरिंग खतरनाक वाली, तो गाइस जल्दी से मैं गाड़ी घुसाता हूँ गैराज में, और भाई देखते हैं इन बंदों को। अब यहाँ पे सामने जो ब्लू वाली बिल्डिंग है भाई, उसका गेट खुलता है कोई, तो शायद से वहाँ पे कोई आ चुका है। तो यहाँ पे कैसे हल्का सा देखना पड़ेगा, उस एंगल ना मिल जाए मेरे को ऊपर वाले को। और यहाँ पे एक बंदे के मेरे को फिर से आने लगे, जैसे कि इस वाली झोपड़ी में आ चुका है, तो काफी पास आ चुका है बंदा। तो यहाँ पे कैसे मैं चाह रहा था कि भाई एक बंदे को मैं मतलब बिल्कुल अलग से निपटाऊं, मतलब मैं नहीं चाह रहा था भाई बंदों के बीच में घुसूं। तो इसलिए गाइस मैं हल्का सा यहाँ पे वेट कर रहा था। यहाँ पे बंदे भाई नेड वेड फेंकने लगे थे, तो मैं हल्का सा पीछे हो जाता हूँ, नहीं तो पता चलता भाई मैं ही फूट जाता। और यहाँ पे कोई बंदा भाई एंगल दे ही नहीं रहा, और मैं नहीं चाह रहा कि भाई बीच में घुसूं मैं चार बंदों के। तो यहाँ पे गाइस मैं हल्का सा वेट कर रहा था भाई, मतलब एक बंदा तो भाई कम से कम एंगल दे, लेकिन कोई नहीं आता भाई कसम से। तो यहाँ पे गाइस थोड़ी देर मैं ऐसे मतलब बैठता हूँ, लेकिन कोई नहीं आता। फिर गाइस जोन भी आ चुकी थी यहाँ पे, और भाई बंदे जोन के अंदर है, मतलब बहुत देर हो गई। ट्रिपल स्टोरी के ऊपर है कुछ, एक अंदर भी है शायद से, और भी मतलब पीछे ही है, मतलब जोन के अंदर कोई आ ही नहीं रहा। और हल्का सा मेरे को वैसे ये भी डर था कि भाई जोन के अंदर क्या पता कोई स्क्वाड हाउस की तरफ से मतलब फ्लैंक ना मार जाए, तो थोड़ा सा ध्यान में रख रहा था उधर भी। तो यहाँ पे कैसे मैं फुल बूस्ट मारने की सोच रहा था अब, और भाई इसको हल्का सा डैमेज देता हूँ। गाड़ी की साउंड आती है, मैं हो जाता हूँ रेडी, दिया काफी डैमेज। और यहाँ पे गाइस मैं बैरल निकालता हूँ, इस वाले बंदे को निपटाता हूँ फटाफट। और गाइस अब इसका वो टीममेट को मैं देख रहा था, एक बंदा मेरे को वहाँ पे दिखा था हल्का सा, और भाई कोई फायरिंग करता है पीछे ट्रिपल स्टोरी की साइड से, तो भाई शायद हो सकता कोई और बंदा भी हो वहाँ पे, या फिर इसका ही टीममेट हो जो फ्लैंक करके चला गया हो। तो यहाँ पे गाइस मैं सोचता हूँ भाई अपना किल सिक्योर करता हूँ मैं फटाफट जाके, और उस वाले बंदे को भी देख ही लूंगा जो ट्रिपल स्टोरी वाला है। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ भाई इसको निपटा दूँ, लेकिन मेरे को ये भी डर था भाई पीछे से जिसने फायरिंग करी थी हल्की सी, भाई वो ना हो मतलब वो मेरे को निपटाए। फिर ये बंदा दिखता है, इसको मैं हेडशॉट देता हूँ, और भाई सोचता हूँ इस वाले बंदे को निपटाऊं कैसे। और भाई इतने में फुटस्टेप्स आते हैं ट्रिपल स्टोरी से, और बंदा मेरे को दिख जाता है, और जैसे ही मैं इसको नोक करता हूँ ना भाई, ये इसको निपटा देता है, मतलब भाई किल चुरा लेता है मेरा। अब यहाँ पे गाइस वाली पेटी से मैं थोड़ी सी लूट लेता हूँ। एक बंदा सामने वहाँ पे कैंप मार रहा, तो भाई उसको भी देखना पड़ेगा, वो नेड वगैरह फेंक सकता है, तो मैं एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकता। और भाई एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं इससे सामने वाले घर में, तो मैं सोचता हूँ कि भाई सबसे पहले इस घर वाले को लपेटा जाए, और जो बाहर है ना भाई उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे गाइस थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ कि क्या पता यार बाहर वाला रश वश मार दे। उसके हल्के हल्के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे क्योंकि, लेकिन भाई वो आता ही नहीं है, बहुत देर हो जाते हैं। तो फिर मैं जाके भाई रश मार देता हूँ इस वाले बंदे पे, और इतने बंदे को पता चलती है ना भाई साइड से कोई आ चुका है, इतने काफी देर हो चुकी थी। इसको निपटाता हूँ, जल्दी से कूदता हूँ नीचे, क्योंकि भाई पीछे से कोई रश मारा था, मैं इसको निपटाता हूँ, वो मेरे को निपटाता, इसलिए मैं कूद जाता हूँ फटाफट। और अब देखो कूदेगा बंदा,
मेरे को बताता भाई बंदा कूदेगा क्योंकि भाई दूसरे वाले बंदे को मैंने डैमेज देकर छोड़ दिया था, जिससे कि वो चिल्लाएगा कि भाई जल्दी आ एक गोली का फलाना कुछ भी कहेगा और भाई बंदा ऊपर से कूदेगा, मैं निपटाता हूं इजीली। और यहां पे इनके दो बंदों का नाम इंस्पायर्ड था तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से, मतलब भाई उसके फैन थे शायद से। अब यहां से गाइस मैं निकलने की सोच रहा था लेकिन भाई साइड से आते गाड़ी की साउंड हल्की सी, और अभी जोन में आने को मतलब 40 सेकंड है, तो मैं सोचता हूं एक बार चेक कर लेते हैं। और उस ट्रिपल सोरी वाले का भी मेरे को अभी किल नहीं मिला है, तो हो सकता है भाई उसको स्क्वाड से रिवाइव करने आ गई हो या फिर वो रिवाइव हो भी गया हो। खैर रिवाइव तो नहीं होता बंदा, मेरे को किल मिल जाता अब उसका। और यहाँ पे एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं और भाई मेरे को लगा भाई इतनी तेज कोई भाग कर आ रहा है भाई आज, तो मतलब आधा मतलब डैमेज तो मेरे को कम से कम दे ही देगा। लेकिन मतलब तो भाई गन पीछे करके बिल्कुल तेज भाग कर रहा था अपने टीममेट को शायद से बचाने के लिए, मतलब उसने भाई किल फीड नहीं देखा है, पता नहीं क्या सीन था। और फिर एक बंदे गाइस मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं इस वाले घर से, तो मैं जाता हूँ भाई इसमें ब्रश मारने। अब यहाँ पे गाइस फुटस्टेप्स तो आए थे थोड़ी देर पहले लेकिन अब बिल्कुल सुनसान हो चुका है सब कुछ, तो मैं समझ चुका था भाई कैंपिंग चल रही है। और मैं बंदे को देखता हूँ बड़ा आराम आराम से, क्योंकि हो सकता है भाई बंदा बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर ही हो, वो भी FPP मोड ऑन करके, बहुत ही खतरनाक चीज होती है। लेकिन ऐसा नहीं था भाई, बंदा अच्छे बच्चों की तरह कोने में बैठा था एक चुपचाप। अब यहाँ पे गाइस जोन आने लगी थी, काफी हेल्थ खाएगी, जोन है काफी दूर, तो भाई इनकी गाड़ी उठाते और भाई निकल लेते फटाफट। यहाँ पे गाइस मैं बूस्ट भी मार लेता हूँ, जिससे कि भाई जोन में जाते जाते भाई ज्यादा हेल्थ ना जाए मेरी, क्यों पता चला भाई मैं बहुत ही कम हेल्थ के साथ जोन में गया और एकदम भाई हमला हो जाए। अब यहाँ पे गाइस 18 लाइव थे, दो जोन होती हैं, बंदे नहीं मिलते, बहुत भटकता हूँ मैं। आखिरकार जाके यहाँ से फायरिंग की साउंड आने लगी थी, यहाँ पे ड्रॉप भी आ रही थी, तो भाई गाड़ी घुमाता हूँ मैं, चलता हूँ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे गाइस काफी कम बंदे लाइव है और भाई फाइट भी चल रही है। मैं नहीं चाह रहा भाई सारे किल मतलब गायब हो जाए, जितने बचे मतलब कुछ तो मिले इनमें से। तो यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ, मुझे लगा था भाई ट्रिपल स्टोरी में होंगे बंदे लेकिन यहाँ से तो फुटस्टेप्स आते नहीं है, तो फिर मैं आता हूँ इन वाले घर की तरफ। यहाँ पे आते एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स, जो कि जंप लगा देता है और भाई रश मारता है, लेकिन इसको मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ से इसका गिली सूट भी ले लूंगा मैं, और शायद से यार इस वाले बंदे ने भी क्लच मारा है, पता नहीं क्या सीन है, लग तो ऐसे रहा भाई फायरिंग वायरिंग जैसे चल रही थी और भाई अलाइव भी काफी कम हो गए एकदम। तो यहाँ पे गाइस जोन काफी छोटी बन चुकी है अब, और भाई सामने साथ ही मेरे को फायरिंग की साउंड, कोई M24 चला था सरप्राइज्ड, तो हो सकता है भाई मेरे ऊपर ही चला रहा हो। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ भाई घर के ऊपर जाऊंगा, थोड़ा हाइट एडवांटेज लूंगा, उस बंदे को सपोर्ट करते हैं। अब बंदा मेरे को दिख जाता है पेड़ के पास, और मेरे को ये भी पता है कि बंदे पे M24 है AWM नहीं, तो थोड़ी सी रिस्क मैं ले सकता हूँ। अब खैर बंदा M24 यहाँ पे चिपका देता है, मैं भी उसको हल्का फुल्का डैमेज देता हूँ, लेकिन इतना तो नहीं दिया जितना उसने दे दिया, तो बंदा यार ठीक ठाक स्नाइपर है, ऐसा नहीं है भाई मजाक में हल्का लेने वाला। अब यहाँ पे गाइस मैं वेट ही कर रहा था भाई बंदे रश मारते, और भाई भाई कितनी तेज भाग रहा है। खैर यहाँ पे इसको मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ, बंदा पेड़ के पीछे रुक जाता है। फिर गाइस जोन आने वाली थी, तो मैं गाड़ी उठाता हूँ भाई जोन में चल लेता हूँ। बंदे रश मार देते हैं मेरे ऊपर, नेट फेंक रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जोन को प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि भाई मैं हूँ अकेला बंदा, वो है 4 जहाँ तक भी है, तो जोन के अंदर वो मेरे को निपटा सकते, एक बंदा हीलिंग फाइट करेगा तो भी, तो इसलिए मैं पहले जोन में आता हूँ। और अब देखना भाई जोन पीछे से लात मारेगी उन्हें, और आगे समय तो यहाँ पे गाइस मैं पेन किलर ही खा रहा था, और भाई इतना में भाई ये रेसर जब से भाग गिरा है, मतलब वहां भी भाग रहा था और भाई यहाँ भी भाग ही रहा है ये। खैर इसको मैं निपटाता हूँ, पूरा खत्म भी कर दूंगा इसे, इसके और टीममेट्स को देखूंगा जो कि हो सकता है भाई जोन से भाग के आ रहे हो, लेकिन फिलहाल तो मेरे को यार कोई दिख नहीं रहा था। और अब गाइस मैं सोचता हूँ कि भाई जोन में चलते हैं, यहाँ पे हल्की सी रिस्क थी लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और ये बंदा मेरे को दिख जाता है, इसको भी मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, बचा सिर्फ लास्ट वाला बंदा जो कि बहुत देर में मिलेगा मेरे को। और यहाँ पे मेरे को ये डर था कि भाई बंदा कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बंदे को मेरी लोकेशन पता होगा क्योंकि भाई मैंने अभी भी फायरिंग करी है। तो यहाँ पे गाइस मैं काफी देर यहाँ पे रुकता हूँ, लेकिन बंदे का नाम निशान नहीं दिखता, तो भाई गाड़ी उठाते हुए मैं तो गाड़ी उठा के राउंड मारूंगा, क्योंकि भाई पैदल तुम्हें पता है मेरी किस्मत कितनी खराब है, कोई नागिन डसी लेती है मेरे को या फिर कोई पीछे पीछे से मार देता है, तो इसलिए मैं गाड़ी उठा के चेक मारता हूँ। और भाई अब इस बंदे को पता नहीं कब से पता होगा कि मैं उस वाले घर में हूँ, लेकिन इसने जरा सी फायरिंग नहीं करी, ये भी बिल्कुल परफेक्ट मौके का इंतजार करते कि भाई जैसे बंदा स्टिल होगा बिल्कुल या फिर उसे बिल्कुल नहीं पता होगा भाई, तो एकदम हमला कर देंगे। तो गाइस कैसा लगा ये वाला मैच मेरे को कमेंट करके बताना, काफी दिन बाद मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड खेला है, और अब ट्राई करूंगा मैं कि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलूं मैं, क्योंकि भाई अपना बैटल ग्राउंड इंडिया भी आने वाला है, और कौन कौन एक्साइटेड है भाई बताना मेरे को कमेंट करके। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यूज़ वाले चैनल पे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।